Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is final part of chapter halves and quarters. दो videos मैं already upload कर चुकी हूँ और ये आपका final part है. तो let's start now. जल्दी से finish करते हैं. Then इसकी एक worksheet आएगी and then there will be a quiz. Okay, so let's start now. So first is sharing milks. This bottle is full of milk. ये जो एक बड़ी bottle है ये आपकी milk से भरी हुई है and it hold 1 liter और इसमें 1 liter पानी आता है. 1 liter hold कर सकती है milk, sorry. The milk is put into 4 other bottles so that each bottle has 1/4 liter of milk. आपको इस पानी को इनमें डालना है, बाकी जो bottles हैं आपकी, ताकि सभी में 1/4 milk जाए. Shade the bottles to show level of milk in each. तो हर किसी में आपको shade करना है milk, almost जो आपको लगता है कि 1/4 होगा उसको यहाँ पर आप shade कर देंगे milk की form में. Okay? Remember 1 liter equals to 1000 milliliters. याद होगा आपको, second class से ये milliliter liter का concept आ गया था कि 1 liter में 1000 milliliters होते हैं. हाउ मेनी मिलीलीटर्स मिल्क डज ईच बॉटल हैव. अब आपने क्या किया है, 1000 को क्वार्टर्स में डिवाइड किया, यानी कि जो 1000 है इसको 4 बॉटल्स में डिवाइड किया है. तो ज़रा 1000 को 4 से डिवाइड करके देखिए कि हर एक बॉटल में कितना मिल्क है. 4 2s are 8, रिमेनिंग 2 24 5s are 20, ये 0 ऊपर गया, 250 ml. तो कहने का मतलब है अगर आप 1 लीटर देखते हैं, 1 लीटर को एज 1000 ml देखते हैं, तो हर एक बॉटल में 250 ml मिल्क है अभी. नेक्स्ट इज शान पोर्ड 1 लीटर ऑफ मिल्क इन टू 2 बॉटल्स सो दैट द फर्स्ट बॉटल होल्ड 3/4 लीटर एंड द अदर बॉटल होल्ड 1/4 लीटर. शान ने क्या किया, 1 लीटर कुछ इस तरीके से डाला है बॉटल्स में कि फर्स्ट बॉटल में 3/4 और सेकेंड में 1/4. तो 3/4 यानी कि शेड करना है आपको, तो ऑलमोस्ट इतना मिल्क होगा और 1/4 जितना स्टार्टिंग में था हमारा इतना होगा अप्रॉक्स. ओके, तो इतना उसने बॉटल को इतना भर दिया है दोनों को. नाउ पहले तो शेड करना है, तो शेड आप दोनों को कर देंगे बॉटल्स को. सेकंड कह रहा है हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क डज ईच बॉटल होल्ड. अब आप बताइए कि दोनों बॉटल्स में कितना मिल्क है. सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट 3/4 ऑफ 1000, बिकॉज 1000 ml का 3/4 किया है, 3/4 ऑफ 1000. तो ये कैसे आप करेंगे, 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर विल बी 3000 और देन यू हैव टू डिवाइड इट बाई 4. सो 3000 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7s are 28, 2 remainder 20, 4 5s are 20 एंड 0 ऊपर. तो 750 ml आपकी फर्स्ट बॉटल में जाएगा. सेकेंड बॉटल में क्योंकि 1/4 है, 1/4 हम पहले कर चुके हैं, विच इज़ 250 ml. तो यानी कि सेकेंड बॉटल में आपका 250 ml ऑफ मिल्क है. नेक्स्ट इज बैलेंस द वेट. बैलेंस करिए वेट को. 1 kg, 500 grams, 50, 250, ये आपको अलग अलग वेट्स दिए हुए हैं. वॉट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है इन क्वेश्चन में, चूज फ्रॉम द वेट्स अबाउट टू मेक द टू पैंस इक्वल. दोनों पैंस को आपको इक्वल करना है, तो किस तरीके से आप ऊपर से चूज करेंगे एंड हाउ मेनी वेज कैन यू डू दिस, और बताइए कि कितने तरीके से आप इसको कर सकते हैं. देखिए इधर आपका 2 kg है इस वाले पैन में, तो यानी कि आपको यहाँ पर भी 2 kg ही लेकर आना है. तो आप कैसे करेंगे, एक काम करिए, पहले एक 1 kg सेलेक्ट करिए, ये 1 kg, 500 ग्राम लीजिए एंड देन 250 और 250 ले लीजिए दो. तो क्या होगा इससे, 1 kg ये हाफ, ये दोनों मिलके हाफ, तो 1 + 1 = 2. 1 kg 1000, 1500 एंड 2000 ग्राम्स ही हो जाएगा. तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं. तो तरीका ये हो सकता है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, 1 kg की एक बॉटल लीजिए, देन 500 ग्राम्स, देन 1 more 500 ग्राम्स. 3 आपके अगर होंगे वेट्स तो ये भी आपको 2 kg दे देंगे. या फिर आप एक और तरीके से क्या कर सकते हैं, ये देखिए, ये यहाँ से लीजिए 250, 200, 200 इज 400 + 1 500, 500 यहाँ से हो गया, 250, 250, 500 ये हो गया, 1000 एंड 1000 इन दोनों को मिला के हो गया. तो ये भी वेट्स अगर आप रखेंगे तो दैट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू आपका 2 kg. तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इन दोनों को बैलेंस करने के. नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन बैलेंस दिस वेट ऑफ 3/4 kg. 3/4 kg है, तो बताइए कितने तरीके से आप इस वेट को बैलेंस कर सकते हैं. 3/4 का क्या मतलब है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. सो 3/4 इज इक्वल्स टू 750 ग्राम्स, हम पहले देख चुके हैं. अगर 1000 ग्राम्स को आप 4 पार्ट में डिवाइड करके 250 ईच आएगा, 3 पार्ट्स लेते हैं तो 750 पार्ट्स होंगे. 750 आप किस तरीके से बना सकते हैं, या तो आप 250 + 250 + 250 ले लीजिए, 250 ग्राम्स 250 ग्राम्स एंड 250 ग्राम्स, या फिर आप क्या कर सकते हैं, 250 250, दिस इज़ 500 + 200 700 + 50, इस तरीके से भी करेंगे तो भी वो आपका 750 ग्राम्स हो जाएगा. या फिर आप एक 500 ले लीजिए और प्लस 250, सो दिस ऑल्सो विल बी इक्वल्स टू 700 ग्राम्स. तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं आपके 750 ग्राम्स को बैलेंस करने के. वाई इज इट इज़ रॉन्ग, आपको दो यहाँ पर हाफ किए हुए हैं, दो पार्ट्स शो किए हुए हैं, बताना है आपको क्यों रॉन्ग है वो. तो कनन ने कुछ शेड किया है, देखिए यहाँ पर
आपने सम पार्ट्स यहाँ पर शो किए हुए हैं, बट हिज फ्रेंड मिनी सेज दैट दिस इज रॉन्ग, एक्सप्लेन वाई. उसने यहाँ पर चार पार्ट्स में डिवाइड किया इसको और एक को शेड कर दिया, कहा कि ये 1/4 है, बट ये रॉन्ग है. क्यों? बिकॉज द पार्ट्स आर नॉट इक्वल. देखिए रेड पार्ट कितना ज़्यादा है, ये पार्ट्स बहुत छोटे हैं उसके कंपेरिजन में. और फ्रैक्शन हमेशा तभी अप्लाई होता है जब इक्वल पार्ट्स की बात होती है. तो दैट इज़ वाई कनान इज रॉन्ग. सिमिलरली यहाँ पर भी उसने ये किया है, द ट्रायंगल आर नॉट डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स. देखिए ये छोटा है एंड दिस इज बिगर, सो दैट इज द रीजन. सो पार्ट्स आर नॉट इक्वल, दिस इज द सोल रीजन. पार्ट्स जो किए हैं दे आर नॉट इक्वल, वो बराबर नहीं है आपके. ओके, नेक्स्ट इज प्रैक्टिस टाइम. ये क्वेश्चन आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आई थिंक 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड आई एम गोइंग टू शो यू कि किस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देर आर 60 मैंगोज, 60 मैंगोज हैं आपके पास, हाफ ऑफ देम आर राइप, आधे जो हैं वो पके हुए हैं, हाफ. हाउ मेनी मैंगोज आर राइप, तो बताइए कि कितने मैंगोज राइप हैं, पके हुए हैं. तो आप आंसर ऐसे शुरू करेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. आंसर होगा आपका टोटल नंबर ऑफ मैंगोज लिखेंगे पहले तो आप, टोटल मैंगोज कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज विच इज इक्वल्स टू 60, जो कि आपके 60 है. नाउ अब राइप कितने हैं उसमें, नंबर ऑफ राइप मैंगोज इज इक्वल्स टू 1/2, हाफ राइप है. सो नंबर ऑफ राइप मैंगोज, जो पके हुए मैंगोज हैं, उनका नंबर होगा आपका हाफ ऑफ 60, यानी कि 1/2 ऑफ 60, 60 का हाफ, विच इज़ हाफ ऑफ मीन्स इनटू 60, दैट मीन्स दिस इज 30. तो यानी कि 30 मैंगोज जो हैं, 30 मैंगोज दे आर राइप, वो पके हुए हैं. ओके, देयरफॉर फाइनल आंसर आप लिखेंगे 30 मैंगोज आर राइप. ओके, सो दिस इज़ हाउ यू शुड डू दिस, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है. नेक्स्ट पे आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है. सेकेंड क्वेश्चन इज, देर आर 32 चिल्ड्रन, 32 बच्चे हैं, हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बॉयज. हाफ अगर गर्ल्स हैं तो बताइए कि बॉयज़ कितने हैं. पहले गर्ल्स की नंबर, टोटल नंबर हम फाइंड कर लेते हैं, टोटल में से देन उनको सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपको बॉयज़ का पता लग जाएगा. टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल बच्चे कितने हैं आपके, दे आर 32. गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स आर 1/2, हाफ. सो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ 32, हाफ ऑफ 32, दैट मीन्स 1/2 ऑफ मीन्स इनटू 32, 32 का हाफ होता है 16. अगर 16 गर्ल्स हैं तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, टोटल बच्चे थे आपके 32, बॉयज़ इज इक्वल्स टू 32, टोटल में से गर्ल्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 16, या किस यानी कि 16 आपके बॉयज़ हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देर आर 20 स्टार्स हैं आपके पास, अ क्वार्टर ऑफ देम इज़ रेड. क्वार्टर मतलब 1/4 आपके रेड है. हाउ मेनी स्टार्स आर रेड, कितने स्टार्स रेड है, और हाउ मेनी आर नॉट रेड, कितने रेड नहीं है, ये आपको आंसर बताना है. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे टोटल स्टार्स हैं आपके 20. ओके, रेड है आपके 1/4, यानी कि क्वार्टर जो कि आपको लिखा हुआ है. ओके, सो नंबर ऑफ रेड स्टार विच इज़ इक्वल्स टू हाफ, 1/4 ऑफ 20. 20 का 1/4 जो है वो स्टार्स रेड हैं. सो यानी कि 1/4 ऑफ मीन्स इनटू 20, 4 5s are 20, यानी कि 5 स्टार्स आपके रेड है. तो नॉट रेड कितने होंगे, अगर 5 रेड हैं तो कितने रेड नहीं है, टोटल स्टार्स 20 थे, 5 तो उनमें से रेड है, दैट मीन्स जो रिमेनिंग 15 है दे आर नॉट रेड, वो आपके रेड नहीं है. ओके, सो दिस इज़ हाउ दिस क्वेश्चन विल बी डन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपके, रवि वॉन्ट्स अ पेंसिल, रवि को एक पेंसिल चाहिए, इट कॉस्ट ₹2, पेंसिल 2 रुपये की है. ही गिव अ 1 रुपी कॉइन, 1/2 रुपी कॉइन एंड 1/4 कॉइन, इज़ इट इनफ, उसने 1 रुपये का एक कॉइन दिया. ओके, टोटल देख लेते हैं कितना अमाउंट दिया है रवि ने. नाउ कॉस्ट ऑफ पेंसिल, पेंसिल की कॉस्ट है, फोर्थ क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल्स टू 2, 2 रुपये की पेंसिल है. अब टोटल अमाउंट जो पे किया, टोटल मनी दैट रवि पेड, रवि ने कितना अमाउंट पे किया, उसने दिया है 1 रुपी का नोट, 1 50 पैसा यानी कि 0.50 और 1/4 यानी कि 25. ओके, अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 1.50 + 25 = 75, 1.75 देने थे 2 रुपीज़, तो दिस इज़ नॉट इनफ, ये काफ़ी नहीं है. अभी कितना पैसा उसको और देना, हाउ मच स्टिल ही हैज़ टू पे, 2 में से 1.75 को माइनस कर दीजिए, 2.00 - 1.75, दैट मीन्स द आंसर विल बी 0.25, यानी कि 25 पैसे अभी रिक्वायर्ड हैं उसको, तब जाके ही विल बी एबल टू
गेट और बाय द पेंसिल, तब जाके वो पेंसिल को खरीद सकता है. सो होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको किस तरीके से क्वेश्चंस करने. अगेन आई एम सेइंग दीज फोर क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके. सो दैट्स ऑल, चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ. इसके बाद इसकी एक वर्कशीट आएगी एंड देन देयर विल बी अ क्विज. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.